गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रकाश सोनी फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय CRPM मुकामाघाट। आज हम बनाने जा रहे हैं एक कप कोलाज टेक्निक से, जिसके लिए हमें चाहिए होगी पेंसिल, फेविकॉल, ब्रश, न्यूज़पेपर और मैगजीन और एक प्लेट और एक शीट चाहिए होगी जिस पर हम काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पेपर को कट कर लेंगे, इसके बाद फेविकॉल लगाएंगे, मैंने न्यूज़पेपर का सिर्फ ब्लैक एंड वाइट वाला पार्ट यूज़ करा है, आप कलर पार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और पेपर का साइज़ बड़ा रखेंगे इसको करने के लिए, ये भी थोड़ा छोटा है, आप इससे भी बड़ा रख सकते हैं। और अलग अलग जगह पर इसको पेस्ट करेंगे। फेविकॉल के अंदर आप थोड़ा सा पानी और मिला लेंगे, जिससे थोड़ा थिन हो जाए वो, उसको स्प्रेड करते करते ओवरलैप करते हुए हम पेपर को लगाते रहेंगे। जहाँ पर भी हमें स्पेस दिखेगा वहाँ पर हम उसको फिल करने के लिए हम पेपर का यूज़ करेंगे। बैकग्राउंड एकदम फिल कर देंगे कि हमें बैकग्राउंड नज़र ना आए, पूरा बैकग्राउंड हमारा न्यूज़पेपर से कवर हो जाए। और न्यूज़पेपर हम अलग अलग एंगल से लगाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा करते हुए जैसे मर्जी कवर करना उसको, और सारे पार्ट को हमें फिल करना है। बहुत ही इजी है। हमारा बैकग्राउंड तैयार हो चुका है, और इसके बाद हम ड्राइंग करेंगे। हम एक कप बना रहे हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये बेसिक शेप है कप की। इसके बाद हैंडल बना रहे हैं इसका। अब हमने पेपर को अलग निकाला हुआ है, इसके लिए मैं ब्लैक और वाइट पेपर यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्लैक पेपर लगा रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि इसकी डेप्थ दिखाएगा कप की इनर साइड। हम ब्लैक की जगह ग्रे कलर भी यूज़ कर सकते थे। जहाँ तक कोशिश रहे आपकी आपकी ड्राइंग के बाहर पेपर नहीं जाना चाहिए। ओवरलैप करते हुए हम इसको पेपर को लगाते रहेंगे। अब इसके बाद हम वाइट पेपर यूज़ करेंगे। इस तरह से शेप को फॉलो करते हुए हम अंदर पेपर लगाते रहेंगे। आप और कुछ भी बना सकते हैं इसके अंदर, ज़रूरी नहीं है कभी बनाना। आपके माइंड में जो भी कुछ चीज़ आती है, कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, उसको आप ड्रॉ करके उसको फिल कर सकते हैं उसके कलर के अकॉर्डिंग।
ओवरलैप करते हुए हमें पेपर को लगाना है। इसके हैंडल पे करेंगे, हम पहले व्हाइट शीट पे ड्रॉ करके भी इसको फिल कर सकते थे और उसके बाद बैकग्राउंड बना सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत इजी स्टेप होगा, इसलिए पहले मैंने बैकग्राउंड लगा के उसके बाद ऊपर से इसको फिल किया है ड्रॉ करके। तो मुझे आशा है कि आप लोग भी कर पाएंगे, बहुत ही सिंपल सा है। इसमें कोई टोन वगैरह कुछ भी मैंने यूज नहीं किया, इसमें बस सिंपल कप की शेप बनाई है। ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।